हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक सोसाइटी में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और बहुत सारे लोगों में ये अक्सर देखने में आता है, क्योंकि आजकल हम लोगों का वर्क स्टेशन कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़ गया है, इसलिए बहुत सारे डेली टास्क हमें कंप्यूटर और मोबाइल पर करने पड़ते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसे बफलो हम्प कहा जाता है और मेडिकली इसे डॉगर्स हम कहा जाता है। एक्चुअली ये होता क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, नेक के पीछे यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये थोरेसिक स्पाइन स्टार्ट होता है, यहाँ पर काफ़ी उभार आ जाता है। यहाँ गर्दन के पीछे आपने एक उठा हुआ हिस्सा देखा होगा जो कि एक सूजन की तरह से नज़र आता है, और इस कंडीशन को बफलो हम्प कहा जाता है क्योंकि ये बफलो से मैच करता है और मेडिकली, जैसा मैंने बताया, इसे डॉगर्स हम्प कहते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि यह क्यों हो जाता है। तो बफलोज हम्प होने का सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग पॉस्चर में बैठना, क्योंकि आजकल हम लोग स्क्रीन्स पर ज़्यादा काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वे गलत पॉस्चर में बैठते हैं। और पॉस्चर कैसा होता है, जिसमें वे अपनी गर्दन को आगे की तरफ खींच कर रखते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पैक्स यूज़ करते हैं और उनको नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम आती है, तो वे आगे अपनी गर्दन को इस तरह से निकाल कर देखते हैं और धीरे धीरे उनका पॉस्चर नेक के करेक्शन से डेविएट होते होते धीरे धीरे इस तरह से रॉन्ग पॉस्चर में आ जाता है, और इसी तरह से उनको बैठने की हैबिट हो जाती है। और यहाँ पर नेक के पीछे एक फैट का डिपोजिशन हो जाता है और एक उभार पैदा हो जाता है, और इस कंडीशन को ही डॉगर्स हम्प कहते हैं या बफलो हम्प कहते हैं। और इस कंडीशन में शुरू शुरू में तो पेन नहीं होता है, लेकिन बाद में यह कंडीशन पेनफुल हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे स्पाइन के कर्वेचर में काफ़ी चेंज आने लगता है, और इस चेंज की वजह से धीरे धीरे यह हिस्सा जो है गर्दन के पीछे वाला, ये पेनफुल रहना शुरू हो जाता है। काफ़ी सारे लोग जो कि पिलो मोटा लेते हैं, उन लोगों में भी यह कर्वेचर चेंज हो जाता है, और इस तरह से फैट डिपोजिशन या नेक के पीछे होने की वजह से भी उन लोगों में भी बफलो हम बन जाता है और यह काफ़ी पेनफुल कंडीशन बन जाती है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने यह जाना कि बफलो हम्प या डॉगर्स हम्प क्या होता है, और आज की हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इस बफलो हम्प को वापस करेक्ट कर सकते हैं, इसका रीअलाइनमेंट कर सकते हैं, इसका करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, हम इसे रीअलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दो सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिससे इस हम्प को करेक्ट करने में और जो फैट यहाँ डिपॉजिट हो गया है, इस फैट को डिसॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और स्पाइन का करेक्शन भी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक्सरसाइजेज कैसे करनी है। ये एक्सरसाइजेज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप इन्हें रेगुलरली कुछ दिन तक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके इस तरह की समस्या में काफ़ी जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ पेन तो रिड्यूस होता ही है, स्पाइन के करेक्शन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप आराम से बैठकर कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, या खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से वाई की पोजीशन में ऊपर उठा लें और उन हाथों को ऊपर की तरफ खींच कर रखें। उसके बाद अपने दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ आपको पुश करना है, आप जितना आराम से पुश कर सके, और इस कंडीशन को आपको 8 से 10 सेकंड तक मेंटेन करना है, और उसके बाद इसको रिलीज़ कर देना है। वापस से उसी वाई पोजीशन को मेंटेन करना है और अपने दोनों शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करना है। कोशिश ये रखिएगा कि गर्दन को आगे की तरफ ना लेके आए, गर्दन को रिलैक्स रखें बिल्कुल। शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करना है, 8 से 10 सेकंड तक इस पोजीशन में रहना है, और उसके बाद धीरे धीरे वापस लेके आ जाना है। इस एक्सरसाइज को 8 से 10 रिपीटेशन में दिन में दो बार करने से ये जो फैट डिपोजिशन है हमारी नेक के पीछे, ये कम होने लगता है और धीरे धीरे स्पाइन का भी करेक्शन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में भी उसी तरह से आपको मेंटेन करना है। अब आपको जो है वो लगभग टी की पोजीशन बना के रखनी है। अब आपको टी की पोजीशन में आना है, और अब धीरे धीरे उसी तरह से दोनों एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करना है, और इस पोजीशन को आपको 8 से 10 सेकंड तक मेंटेन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद इसको रिलीज़ कर देना है।
फिर से वापस इसको आपको पीछे की तरफ पुश करना है, नेक के ऊपर प्रेशर नहीं लगाना है, और उसके बाद धीरे धीरे 10 सेकंड के होल्ड के बाद इसको धीरे धीरे वापस छोड़ देना है और फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इस एक्सरसाइज को भी 8 से 10 रिपीटेशन में दिन में 3 बार आपको परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को करने से भी नेक के पीछे यहाँ जो फैट डिपोजिशन है, जिसे कि हम बफलो हम कहते हैं, उसे रिड्यूस करने में, उस फैट को डिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, साथ ही साथ पेन को रिड्यूस करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो दो एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं, ये एक्सरसाइजेज डॉगर्स हमको करेक्ट करने में और स्पाइन को रीअलाइन करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। वे लोग जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम ओबीज लोगों में या वे लोग जिनका पॉस्चर इनकरेक्ट होता है उन लोगों में देखी जाती है। तो वे लोग अगर इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो इस हम्प को वापस से नॉर्मलाइज किया जा सकता है, फैट को डिजॉल्व किया जा सकता है और धीरे धीरे स्पाइन का भी करेक्शन किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वे लोग जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, वे लोग इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।